पहले हमने सोशल एंटरप्रेन्योरशिप को ये हमने सोचा कि वी शुड रीच टू द अनरीच, जहाँ पे गवर्नमेंट नहीं पहुंच सकती हम वहां पर पहुंचे। पॉइंट नंबर टू कि हम ऐसे एरियाज आइडेंटिफाई कर लें जहां पर वाकई उस चीज की जरूरत हो, जहां पे ऑलरेडी 10 प्रोजेक्ट्स एक ही काम कर रहे हैं, हम यारवे ना बन जाएं, बल्कि हम कोई नया आइडिया लेकर उस एरिया में जाएं जहां पर कोई नीड है, वाकई वहां पे वो नीड है। फिर हम उस एरिया के जो प्रॉब्लम्स हैं उनको एड्रेस करें, उनके सॉल्यूशंस लेकर जाएं, उनकी तसल्ली ना लेकर जाएं, उनको हल दें निकाल के कि ये हम कर सकते हैं यहाँ पर। नंबर फोर कि हम ऐसा आइडिया दें जो फिजिबल हो, वर्कबल हो, जो लॉन्ग टर्म प्लानिंग के साथ चल रहा हो। उसके बाद पांचवा है कि हम जो सोशल एंटरप्रेन्योर्स हैं हम कोशिश करें कि गवर्नमेंट और हमारे दरमियान जो गैप है उसको मिनिमाइज करने की कोशिश की जाए। तो गवर्नमेंट सॉरी मैं यहाँ कहूंगा ये भी इनके फ्राइज हैं, अब गवर्नमेंट के क्या फ्राइज हैं, ठीक है, हकूक नहीं फ्राइज, कि गवर्नमेंट जो है वो सोशल एंटरप्रेन्योरशिप को इनकरेज करे कि ठीक है भाई आप आए हैं आप इसको करें। सेकेंड वो थोड़ी बहुत हेल्प करे छोटे मोटे प्रोजेक्ट में, फाइनेंशियल हेल्प गवर्नमेंट की तरफ से हो सकती है, प्लस सिक्योरिटी। सिक्योरिटी सिर्फ ये नहीं है कि हमें बंदूकों से बचाए, सिक्योरिटी ये है कि हम उस एक्शन को उस आइडिया को इम्प्लीमेंट कर सकें, वो सिक्योरिटी हमें दें। थर्ड कि गवर्नमेंट ऐसे इनिशिएटिव स्टार्ट करें जिसमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जो है वो इन्वॉल्व हो, वो तरक्की पाए। और उसके बाद चौथा है कि हम गवर्नमेंट जो है वो इस किस्म के एनवायरमेंट क्रिएट करे कि सोशल एंटरप्रेन्योर्स हैं वो नेशनली और इंटरनेशनली मूव कर सके। और नंबर फाइव है कि गवर्नमेंट जो है वो हमारी प्रोडक्ट्स खरीदे। एक प्रोजेक्ट चल रहा है तो गवर्नमेंट अगर वो चाइना से मंगवा रही है तो वो हम एंटरप्रेन्योर्स जो हैं वो प्रोवाइड कर सकते हैं, वो कुछ भी हो सकती है, प्रिंटिंग मटेरियल हो सकता है, पेंसिल हो सकती है, पेन हो सकता है, शू पॉलिश हो सकती है, टूथ ब्रश हो सकता है, वो सब कुछ हम लोकली प्रोवाइड कर सकते हैं। और फिर ऐसी पॉलिसी प्रमोट करे गवर्नमेंट के सोशल एंटरप्रेन्योर का जो कॉन्सेप्ट है वो आम हो जाए। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।